एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक मास्टर हरभजन सिंह जी पिछले दिन अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे पिंड कोट हिरदे राम नेड़े चविंडा देवी जिला अमृतसर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। मास्टर हरभजन सिंह जी बहुत ही उच्ची सोच वाले अते परमात्मा नूं मनन वाली शख्सियत सन। रोजाना गुरु घर जाना नितनेम करना आप जी दी दिनचर्या सी। मास्टर हरभजन सिंह जी हुणां ने लम्मा समां नौकरी कीती अते बच्चां नूं पढ़ाया। आप जी दे पढ़ाए बच्चे अज उच्च औहदियां ते विराजमान हन। मास्टर हरभजन सिंह जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। मौजूदा समें विच आप जी दे इन्हां संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रिहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलदा परिवार है अते परमात्मा दे पाणी विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखदे हन। सच्चा साहिब मन वसे की फसे जम जाले राम जाले राम मेरे जीअड़िया परदेसिया मेरे जीअड़िया परदेसिया कित पवे जंजाले राम कित पवे जंजाले राम मेरे जीअड़िया परदेसिया मेरे जीअड़िया परदेसिया मछली बिछुनी नैन रुनी जाल बंधक पाया संसार माया मोह मीठा अंत पर चुकाया अंत पर चुकाया मेरे जीअड़िया परदेसिया मेरे जीअड़िया परदेसिया मेरे जीअड़िया परदेसिया पवे जंजाले राम कित पवे जंजाले राम जंजाल
भगत कर चित लाए हर स्या हर स्या हर स्या देसिया भगत कर चित हर स्यो भगत कर चित लाए हर स्यो हर जसरे मना जो संगी है तेरो अवसर बीते ओ जात है कहो मान ले मेरो मेरो भगत कर चित लाए हर सो भगत कर चित लाए हर स्यो शोक मनो अनेसिया शोक मन हो अनेसिया सच कहे नानक चेत रे मन सच कहे नानक चेत रे मन जी अड़िया परदेसिया परदेसिया मेरे जीड़िया परदेसिया मेरे जीड़िया परदेसिया कित पवे जंजाले राम कित पवे जंजाले राम मेरे जीड़िया परदेसिया मेरे जीड़िया परदेसिया 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 भद्रो अपने कर्म गत में क्या जानू मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं
क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे अपने करम की, मैं क्या जानूं बाबा रे अपने करम की। कतूला केस जले जैसे कांस कपूला, हाड जले जैसे लकड़ी कतूला, केस जले जैसे केस जले जो खास एह जग जरता देख के पयो कबीर उदास कतूला केस जले जैसे कांस कपूला। हाड जले जैसे लकड़ी कतूला केस जले जैसे कांस कपूला अपने करम कत, मैं क्या जानूं बाबा रे अपने करम की कत, मैं क्या जानूं बाबा रे अपने करम की। जम का डांड मूड में लागे, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डांड मूड में लागे कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूड में लगे,
सरपंच हम एक जना, क्यों रखो करबार मना। मारे लूटे नीत नीत, किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना, आगे जम दल बिकम खाना। आगे जम दल बिकम कना, बिकम कना। कहो कभी तब ही नर जाके जम का डांड, मूड में लागे अपने कर्म की गत। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे अपने कर्म की गत। मैं क्या जानूं बाबा रे अपने कर्म की। मरे नर काम नयावे, पशु मरे तस काज सवारे। नरू मरे नर काम नयावे, पशु मरे तस काज सवारे अपने कर्म की गत। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। वारु पुत्रा कैसे नचत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। देखे सुने बोले, देखे सुने बोले, देखे सुने बोले। दोरियो पीरत है कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है। माया गई तब रोवन लगत है। माया गई तब रोवन लगत है। तोरियो पीरत है कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है।
कुछ करना कस है लुबाना। मन बच कर्म रस कस है लुबाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। देखे सुने बोले, देखे सुने बोले, कैसे नचत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। रविदास बाजी जग भाई, कह रविदास, कह रविदास बाजी जग भाई, भाई बाजी गर सो मोहे प्रीत बनियाई, मोहे प्रीत बनियाई। कह रविदास बाजी जग भाई, जग भाई बाजी गर सो मोहे प्रीत बन आई। बाजी गर सो मोहे प्रीत बन आई, दोरे ओ पेरत कैसे नचत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। देखे सुने बोले, देखे सुने बोले, देखे सुने बोले, दोरे ओ पेरत है कैसे नचत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, कैसे नचत है, कैसे नचत है।
जो दुनिया 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 शहर में दस्तगीरी नहीं दस्तगीरी नहीं बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ना फिर परेशानी माहे परेशानी माहे ए जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला ए जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना है दस्तगीरी ना है दस्तगीरी ना है दस्तगीरी ना है ए जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला ए जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला जाए दिल का फिक्र न जाए बेदक ते बिफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए दिल का फिक्र न जाए तो दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए हाजिर हजूर खुदाए हाजिर हजूर खुदाए एह जो दुनिया शहर मेला एह जो दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी नाहे दस्तगीरी बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला एह जो दुनिया शहर मेला मेला खबर बाद बकाहे में खबर बाद बकाहे दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक में आने
श्याम मूरत नाहे, श्याम मूरत नाहे, श्याम मूरत नाहे। एह जो दुनिया सहर मेला, एह जो दुनिया सहर मेला, आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर धन बूद, गुसल कर धन बूद, आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल कर धन बूद, गुसल कर धन बूद, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद, जह तहां मौजूद, जह तहां मौजूद। एह जो दुनिया शहर मेला, एह जो दुनिया शक करूं जे दूसर होए, शक करूं जे दूसर होए, अल्लाह पाक पाक है, शक करूं जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का, कबीर कबीर कर्म करीम का, ओ करे जाने सोए, करे जाने सोए, आप करता आप भुगता, आप करता आप भुगता, आप करता आप कारण किया, आप कारण किया, आप कारण किया, आप कारण किया। बिनवंत नानक से ही जाने, बिनवंत नानक से ही जाने, जाने सोए, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका, साई गल चंगी, कीता करना सर्ब रजाई, किछकिचै जे कर सकिए, अपना किता किछु न होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो,
असा जोर नहीं जे किश कर हम सके, जो पावे त्यों बख्श, जो पावे त्यों तू बख्श, जो हर पावे त्यों बख्श, जो हर पावे त्यों बख्श। अल्लाह पाक पाक है, शक करो जे दूसर होए, करीम का ओ करे जाने सोए, ओ करे जाने सोए। जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ो बना। अल्लाह पाक पाक है, शक करूं जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने सोए, ओह करे जाने सोए। यह जो दुनिया दस्तगीरी ना है। बंदे खोज दिल हर रोज। बंदे खोज दिल हर रोज। ना फिर परेशानी माहे, एह जो दुनिया शहर मेला, एह जो दुनिया शहर मेला। वाहिगुरु। एह जो दुनिया शहर मेला। दस्तगीरी ना है। एह जो दुनिया शहर मेला, शहर मेला। एह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी ना है। सतगुरां दा पावन बचन है कि आपे ही करना की ओ कल आपे ही तै धारी है, देखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। भाई जेड़ा भी जी इस संसार ते आया है, भावें वो जीव जंतु हन, जानवर हन, पशु पंछी ने, इंसान है, बनस्पति है, जो भी इस संसार ते उपजिया है उसका विनाश अटल है। ते स्थिर रहन वाली केड़ी वस्तु है, नाम रहे हो साधु, रहे हो गुरु गोबिंद,
कहो नानक यह जगत मैं किन जप्यो गुरमंत। जेडे भाई इस संसार से कुछ लाह प्राप्त करके जाते ने ना उन्हां दा अगे भी मुख जिहड़ा सुहेला हुंदा है, ही हां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। उन्हां नूं भाई अगली दरगाह विच भी ढोई मिलती है जे इस संसार ते कुछ चंगे कर्म करके जाइए। अज आपां सारे ही साढ़े अति ही सत्कार जो बापू जी सरदार हरभजन सिंह जी जिन्हां दे निमित्त आपां इस सोगमई समाग अंदर सेवक परिवार नाल दुख सांझा करन वास्ते इस दुख दी भड़ी घड़ी विच शरीक होए हाँ। सतगुरु जी कृपा करन, आप सरबत संगतां ने भी यही अरदास करके जानी है कि भाई संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजण सीसड़ियाँ जो होवै सहब सिउ मेल। कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुर बहुर न पगजल फेरा। क्योंकि जीव को संसारक यात्रा करद्या अनजाने जाने अनजाने पता नहीं कितनिया गलतियां त्रुटियां हो जांदियां ने। सतगुरु अगे अरदास बेनतियां करिए सतगुरु जी गलतियां नू ना चितार देवां सदीव काल वास्ते। बापू जी नू अपने चरणा कमलों विच निवास बख्शिश करना, पिछे परिवार नू भाणा मन दा बल बख्शिश करना, गुरसिखी जीवन गुरमतियां दातां बख्शिश करनियां, अगे तो परिवार विच सुख शांति दे रोगतावां चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां, नाम बाणी नाल प्यार गुरसिखी सिद्ध भरोसे दियां दातां बख्शिश करनियां। सतगुरु जी एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास राम दासे हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुणा जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाए तेग वाहे देखियां डिठ कीता तिन्ना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी भला जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੁਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
तहां तहां रक्षिया रियायत देख तेग फतेह वृंद के पैर पंथ के जेता श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखे दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे पुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुली दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शा हे नमाणियां दी मान सतगुरु नेताणियां दी तान नेउटियां दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जीआं दे चरना कमलां च अरदास बेनती है जेहा चीरे लिखिया तेहा हुक्म कुमाहे कल्ले आवहे नानका सदे उठी जाए राणा राव न को रहै रंग न तुंग पखीरा वारी आपू अपने कोई न बंदा धीर दे मावा कंसार सतगुरु जी आप जी दे चरणां दे पौरे गुरु घर दे सेवक भाई हरभजन सिंह जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जितने आप जिया ने आरजू बख्शना किते इस मात लोक ते भुगते हुए पिछले दिने सतगुरु जी आप जी दे चरणा विच जा बराजे ने तना दे आत्मक शांति वास्ते समूह परिवार साख संबंधियां रिश्तेदार मिल करके परसों दे रोज तो तुर की बाणी आए तेन सगले चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ प्रारंभ करवाए से सतगुरु जी आप जिया की महान रहमत हुई है संपूर्ण भोग पे ने पढ़ी सुनी गुरबाणी अपने दर ते प्रवान करने इस गुरबाणी का महत्व विछड़ी हुई आत्मा नूं बख्शना आवागमन के चक्रां तों बचा करके सदीवी अपने चरणों में निवास बख्शना परिवार में सुख शांति वरतावनी सबनों अपने चरणों की प्रीत बख्शनी भाणा मन बनन दे सतगुरु जी बल बुद्ध बख्शने अमृत रूप गुरबाणी दे कीर्तन विरागमय सतगुरु जी प्राणी दे निमित होए ने इस गुरबाणी का महत्व विछड़ी हुई आत्मा नूं बख्शना अपने चरणों में निवास बख्शना आईया हुई संगतां अपने दर ते हाजरियां दर ते प्रवान करनिया सबनों अपने दरों करो नामदान सिखे सिदक भरोसा गुरमत अनुसार सुभावनावां पूरियां करनिया सरबत दे कारज रास करने सरदार हरभजन सिंह जी दे निमित परिवार वालों बिस्तरा भांडे बस्तर जोड़ा सतगुरु जी हाजिर है कृपा करने विछड़ी हुई आत्मा नूं बख्शना छिया पौड़िया आनंद साहब जी दे पाठ जी की अरदास भुल चुक माफ करने कड़ा प्रसाद दी देख लंगर तैयार हो करके हाजिर ने आप जी दे दर प्रवान होण दर प्रवान होया प्रसाद
ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਰਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ। ਰਹਾਉ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ ਪੰਥ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ ਨਹਿ ਉਪਜੋ ਕਛੁ ਗਿਆਨਾ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਣਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਣਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਗਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਣਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਵਿਣਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰਨੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਦਾ ਚਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
सो बड़े ही दुखी हिरदे दे नाल शोकमई मना दे नाल असीं इत्थे जुड़ के बैठे हाँ और साढ़े कोल माझे दे जरनैल सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब उन्हां दे सियासी सलाहकार सरदार लखबीर सिंह जी गिल भी पहुँचे सरदार भगवंत सिंह जी सियालका एग्जैक्टिव मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उचेचे तौर पर पहुँचे ने कार सेवा वाले संत महापुरश संत बाबा अजैब सिंह जी मखण मिंडी वाले वो भी सरदार हरभजन सिंह जी साबका सेंटर मुख अध्यापक उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते पहुँचे ने सरदार प्रभपाल सिंह जी झंडे सरदार जसपाल सिंह जी भुआ होर पतवंते सज्जन दास जिन्हों का नाम नहीं लै सकिया उन्होंने को खिमा चाहता है सारे ही जेडे असी इस दुखमई हालातों के अंदर पहुँच करके परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट करने वास्ते आए ने क्योंकि ये निजाम है मैं पहले बेनती की मैं एक छोटी जी बेनती करके फिर साध संग आप जी के सन्मुख जोड़ा है वो भाई साहब भाई लखबीर सिंह जी गिल पांच मिनट वास्ते आप संगत का धन्यवाद करे साध संग जी बेनती है कि असी रोजाना जपजी साहब की बाणी पढ़ते तो जपजी साहब की बाणी के अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह बड़ी मकबूल बाणी है उस बाणी के अंदर असें एक पंक्ति जिहड़ी आ रोजाना पढ़ते हैं तो सुनते हैं धन गुरु नानक पातशाह उस बाणी के अंदर कथन है जोर ना जीवन मर ना जोर साढ़े कोले ए बल नहीं साढ़े कोले हिम्मत नहीं कि असी अपने जन्म ते जोर दे सकीए कि साडा जन्म किसी घराने विच होवे किसी ऐसे परिवार विच होवे ये साढ़े कोल ऐसा बल नहीं साढ़े कोल ऐसी ताकत नहीं है साहबों क्या जन्म की तेरे कोल ताकत नहीं ते मरण की तेरे कोल ताकत नहीं मरन नह जोर जन्म साहब कहिंदे मात पिता बनता सतबंधक इष्ट मीत और भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाई तेरे माता पिता तेरे भैन भरा तेरे सज्जन बेली पूर्वले कर्मा करके दा संबंध बनिया ते तेरा जन्म इस परिवार विच होया जे मौत की गल करिए ते साहब कहिंदे ने कि जड़ी मौत है आई आ गया पिरोह बिलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ये किसी नाल सलाह नहीं होनी ना ही किसी का जोर चलना है जदों आ गया आ गई जदों हुक्म आ गया तो संसार में छड़ के जाना पैना संसारिक यात्रा खत्म करके सानू इतों कूच करना पैना है साहिबा का वचन है सरफे सरफे सदा सदा इवें कई विहाए नानक किसनू आखिए बिन पुछिया ही लै जाए वो परमात्मा का हुक्म अटल है निजम अटल है जे धन गुरु नानक पातशाह जी वचन करते हैं कि जन्म ते तेरा जोर नहीं मौत ते भी तेरा जोर नहीं तो साहबा क्या एक चीज़ है उत्ते तेरा जोर है वो की है भागा वाले साडा जीवन है असी अपने जीवन को किहो जिहा बनाउणा है ये साढ़े हाथ में है तो जदों मैनेजर सरदार लखबीर सिंह जी कोल साढ़े सत्कारयोग ने जदों इन्हां नाल गल होई कि इन्हां दे दादा जी सरदार भगवान सिंह जी स्वतंत्रता संग्रामी सन संग्राम हुंदा संघर्ष करना किसी की स्वतंत्रता वास्ते देश कौम की आजादी वास्ते उन्होंने संघर्ष किया तो उन्हां तों बाद उन्होंने पुत्र भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी भागा वाले उन्होंने सारी उम्र अपना जिहड़ा लम्मा समा है जिंदगी का वह समाज की झोली दे विच एक बतौर अध्यापक वजों हैड अध्यापक वजो जिहड़ा है वह रोल निभाया तो मेरे मन च ख्याल आया कि ये वाकई जदों असी गुरु ग्रंथ साहब की शरण नाल जुड़ जाने सिख परिवारां नाल जुड़ जाने गुरमत फिलासफी नाल जुड़ जाने तो फिर सिख का जिहड़ा जीवन है वह सरबत दे भले लई हो जाता अपने लई नहीं क्योंकि बापू भगवान सिंह जी उन्होंने देश कौम दे लई अपना संग्राम जिहड़ा शुरू किया स्वतंत्रता संग्रामी रहे ने उगे आजादी घुलाटिए रहे ने अपने परिवार लई नहीं दूजियां दे लई तो जे भजन हरभजन सिंह जी भाई साहब इन्हां वल देखिए
ते जिंदगी दा लंबा समा इन्हां बतौर अध्यापक मुख अध्यापक वजों निभाया वह भी समाज वास्ते, क्योंकि सिख जिउंदा ही सरबत दे भले दे लई है। इसे करके रोजाना असीं दो वक्त अरदास दे अंदर गल कहिंदे आ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सिख सरबत दे भले लई जिउंदा है, सरबत दे भले दी लोचा लई जिउंदा है, ते अपना जिहड़ा जीवन है गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ तों निशावर कर दिंदा है। ऐसी माणमती शख्सियत साढ़े अजीम साढ़े सत्कार योग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी, अकाल पुरख का भाणा मानदिया रब्बी हुक्म सिर मत्थे मानदिया अकाल चलाना कर गए ने। सतगुरु पातशाह कृपा कर, उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शिश कर, सफले परिवार को सके संबंधियों रिश्तेदारों भाणा मानने की बल बुद्धि होर जी ताकत है समर्था बख्शिश कर। सो साढ़े बहुत ही सत्कार योग सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया सबका कैबिनेट मंत्री पंजाब, उन्होंने सियासी सलाहकार भाई लखबीर सिंह जी गेलो पहुँचे ने, पांच मिनट वास्ते आप संगत का धन्यवाद करेंगे। मैं भाई लखबीर सिंह जी गेल उन्होंने चरणों से बेनती करा कि स्टेज पर आ करके परिवार के नाल जो दुख है हमदर्दी है उसको सांझ में लियाओ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। अज आप सारे ही संगत रूप सरदार हरभजन सिंह जी की अंतम अरदास विच सच्चे पातशाह जी के चरणों विच उन्हां दे श्रद्धांजलि समागम विच एकत्र होए हैं। सब तो पहला तो मैं संगत के चरणों विच फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो उपजिया उपजो सो विनस है, पर वो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल, मरण लिखाए मंडल मैं आए, आवन जान एक खेल बनाया। सतसंगत जी, कोई भी प्राणी चाहे किसी भी जामे विच क्यों ना होवे, जिहड़ा उपजिया उन्हें अपनी जिन्नी अकाल पुरख वाहगुरु जी की कृपा द्वारा श्वासां रूपी जिन्नी टिकट मिली होंदी है, वो टिकट नूं खर्च करदे होए इत्थों एक ना एक दिन कूच करना पैंदा। सियाणियां दा भी कथन है कि जिहड़ा मरना है वह सच है तो जिउणा झूठ। अज आपां सारे ही सरदार हरभजन सिंह जी की अंतम अरदास दे विच सच्चे पातशाह जी के चरणों में उस बिछड़ी हुई रूह नूं शरदा दे फुल भेट कर लई एकत्र होए हैं। जदों कदे समाज विच विचरदे आपां, सच्चे पातशाह जी खुशी का समा बख्शदे ने इंसान नूं, उदों सच्चे पातशाह जी के चरण पैंदे ने, संगतां दे चरण पैंदे ने, तां अगले की जिहड़ी खुशी आ उह वध जांदी है। ते जदों किते संकट का समा दुख का समा आउंदा है, जिस तरह इस परिवार के उत्ते आया है, उदों संगत दे चरण पैंदे ने, सच्चे पातशाह जी दे भी चरण पैंदे ने, संगतां दे चरण पैंदे ने, ते उदों जिहड़ा अगले का दुख है वह वंडाया जांदा है। मैं समझदा कि तुहाडे सारी संगत दे ही सच्चे पातशाह जी के चरणों में पहुँच के नतमस्तक हो के उस बिछड़ी हुई रूह नूं शरदा दे फुल भेट किए हैं। तुहाडे सारी संगत दे आउण दे नाल मैं समझदा कि परिवार को कुछ ना कुछ जिहड़ी ढारसा मिली है, दुख विच जिहड़ा है दुख घटिया, दुख बढ़ाया गया। साध संगत जी भावें कि उन्हां दे अकाल चलाने का आपां सारे ही दुख महसूस करते हैं, पर दुख का जिहड़ा गहरापन हुंदा है वह रिश्ते की नेड़ता उत्ते निर्भर करता है। सरदार हरभजन सिंह जी दे अकाल चलाने का मैं समझदा कि जिथे आपां सारयां नूं ही ना पूरा होने वाला घाटा पिया, उत्थे परिवार नूं माता दर्शन कौर जी साढ़े माता जी जिन्हां दे जीवन का मैं कह लवां कि एक पहिया जिहड़ा वह लथ गया, तो बापू जी होरां दे बेटे तीन बेटे ने सरदार लखबीर सिंह जी, मैनेजर साहब
सरदार जसविंदर सिंह जी, सरदार रजविंदर सिंह जी, जिन्हां दे सिर दे उत्तों सदा दे लई पिता दा जिहड़ा ओह साया उठ गया। मैं समझदा कि दुख दा जिहड़ा गहरा पाणा है ओह परिवार नूं महसूस ज़्यादा हुंदा। सत संगत जी, कोई भी परिवार है जदों ओह समाज दे विच तरक्की करदा, चाहे ओह आर्थिक रूप च करदा, चाहे धार्मिक रूप च करदा, चाहे राजनीतिक रूप च करदा, उहदे विच उसदे पेरेंट्स दा जिहड़ा योगदान है उहनूं भुलाया नहीं जा सकदा। क्योंकि जो गल मापे पेरेंट्स खास करके माता दीआं असीसां द्वारा सानू मिलदियां, वो होर किसे पासिओं नहीं मिल सकदियां। जे मैं गल करां आर्थिक रूप दे विच भी परिवार वैल सैटल्ड है, धार्मिक रूप दे विच सरदार लखवीर सिंह जी मैनेजर साहब ने जन्म स्थान बाबा बुढ़ा साहब जी कत्थू नंगल, तो दूजे दो भरा भी वैल सैटल ने खेतीबाड़ी राही, चाहे वह ट्रांसपोर्ट नाल जुड़े हुए हैं। मैं समझदा कि वो ये बजुर्गों की जिहड़ी है सोच का सदका, उन्हां दी मेहनत का सदका, उन्हां दी असीसा सदका परिवार वैल सैटल्ड है। उन्हां दी जे जिंदगी बारे मैं गल करा, सरदार हरभजन सिंह जी जिंदगी बारे जिस तरह बाबा जी होरां ने दस्सिया कि उन्हां दे पेरेंट्स फादर साहब सरदार भगवान सिंह जी ते माता तेज कौर जी बारे गल हुई है कि वह फ्रीडम फाइटर सी। ये भी बड़े माण वाली गल है कि सरदार हरभजन सिंह जी का जिहड़ा जन्म है वह फ्रीडम फाइटर परिवार के विच होया। तो दूजी वड्डी गल कि अपनी जिंदगी विच तरक्की करके वह एजुकेशन लाइन के विच अपनी जिंदगी नूं स्थापित किया, टीचर लाइन के विच बाखूबी सेवा निभाई, समाज के नाल, नगर के नाल, इलाके नाल जुड़े रहे। क्योंकि अपने लागे लागे के पिंडां विच पतालपुरी, हदायतपुरा, हांस, भुल्लर, वख वख नगरों में उन्होंने अपनी विद्या के राही पता नहीं किन्नियां क जिंदगियां नूं रोशनाया होगा, जिंदगियां के जिहड़े दीवे ने उन्हां नूं जगाया होगा, तो आपो अपनी जिंदगी विच मुकाम उत्ते पहुँचाया होगा। तो साध संगत जी, तीजी गल उन्हां प्रति कि जिथे वह एजुकेशन दे विच भी फ्रीडम फाइटर दे विच भी अपना नाम कमा के गए ने, नाम बना के गए ने, उत्थे नाल दी नाल राजनीतिक खेत्र दे विच भी मैंबर पंचायत भी रहे ने। मैंबर पंचायत रहिंदे हुए नगर दी इलाके दी सेवा विच लोकां नाल जुड़े रहे ने, संगतां नाल जुड़े रहे ने। जिहड़ी गल एक पॉइंट होर उन्हां प्रति कहना चाहुंदा, तो उस गल दे विच मैं कहण विच फखर भी महसूस करूँगा कि साध संगत जी, जिथे सरदार लखवीर सिंह जी धार्मिक तौर पर अपने आप नूं सैट किया, मैनेजर गुरद्वारा साहिब दे हैगे ने, सेवा निभा रहे ने, उत्थे बड़ी खुशी हुंदी है ये जाण के कि इन्हां दे बेटे भी केसाधारी ने। मैनूं मिले सवेरे जदों मजीठिया साहब आए सी, सच्चे पातशाह दे चरणां विच हाजरी लवा के गए ने, परिवार नाल दुख सांझा करके गए ने। बड़ा मैं माण महसूस किया इस गल का कि बड़ी सच्चे पातशाह जी की कृपा, बजुर्गों दीआं सिक्ख्यावां, बापू हरभजन सिंह जी दीआं सिक्ख्यावां, माता दर्शन कौर जी दीआं सिक्ख्यावां दे सदका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी केसाधारी है। नहीं तो कई बार साध संगत जी इस तरह भी हो जाता समाज के विच कि पेरेंट्स बड़े ही धार्मिक ख्यालों के होंदे ने, तो अगे जी बच्चों की लाइन वो कई बार रस्ता टेढ़ा भी हो जाता, ये भी दुखांत होंगे अपने समाज का, पर पेरेंट्स का ये नहीं कसूर होंगे कोई भी, क्योंकि माँ बाप तो हर समय अपने बच्चों असीसा ही दिता है। सो साध संगत जी, समा भी काफ़ी हो गया, मैं बहुता लम्मा भी ना समा लवा, क्योंकि सत्कारयोग एडवोकेट सियालका साहब बैठे ने, उन्होंने भी बोलना है, उन्होंने परिवार वालों धन्यवाद भी उन्होंने करना है। मैं अखीर दे विच धन्यवाद करना चाहुंदा ग्रंथी सिंघां दा ते कीर्तनी जथे दा, जिन्हां ने बड़े विस्तार दे नाल मौत दे विषय उत्ते आपां सारी संगत नूं सच्चे पातशाह जी दे चरणां नाल जोड़न की कोशिश की है। सब तो वध धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां दे चरणों में बैठ के आपां सारी संगत ने उस विछड़ी हुई रूह नूं शरदा दे फुल भेट किए ने। अखीर विच मैं अपने वालों मजीठिया साहब भाजी बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब वालों अज सवेरे अपनी पूरी टीम के नाल
ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੋਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਜੀ ਝੰਡੇ ਭੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸਨੇਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ
वह बड़े बिरले लोगों के हिस्से है। तो वो कारण की सी, सिद्धांत की सी, सरबत के भले का सिद्धांत सी। इन्होंने संघर्ष कोई अपने कल्या वास्ते नहीं किया, समुचे देश वास्ते संघर्ष जिहड़ा पंजाब ने किया। पंजाब ने उस संघर्ष 80-90% योगदान पाया। फांसियां दे रस्से चुम्मे, जेलां कटियां, कुरकियां होईयां, परंतु गल राजनीतिक पक्ष की गल कर लिए तो पंजाब दे पल्ले कुछ नहीं पिया। वो लोग जिन्हां ने पंजाब की कुरबानी का रंग माणिया, हल माणिया, उन्हें पंजाब नाल हमेशा धक्का किया। तो उस धक्के दे करके जदों भी कित, क्योंकि बड़ा बड़ा इलाका सी, उहदे विच कांग्रेस की सरकार तो जिन्नी मर्जी वारी बन सकती, पर जे पंजाब दी लोकां दी गल कर लिए तो फिर अकाली दल की सरकार बननी बड़ी औखी सी। तो जदों उहदे लई संघर्ष किया कि पंजाब नूं पंजाबी दे पंजाबी बोलदे इलाकियां दे आधारित, अज तुसीं आ तां जम्मू नूं चले जाओ, इलाका पंजाबी बोलता जी, उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोलन का आचारण डोगरी वाला, तो उपर आ कांगड़ा ये इलाके सारे इन्हों का पंजाबी का आचारण है। इधर अगे चले जाओ हरियाणा, सारा ही पंजाबी बोलता जी। उस वे भावें राजस्थान साढ़े तो वक्रा सूबा सी, पर तुम अज भी राजस्थान जाओ ना तो पंजाबी बोलते हैं बहुत सारे लोग। वो चीज़ जिहड़ी है ना, उहदा पंजाबी भाषा के आधार पर सूबा बनाउणा, कट के सूबा जिहड़ा ही छोटा कर दिता, साडी राजधानी भी साडे कोलों यूनियन टैरीटरी बना के वापस पासे कर दित्ती। इह गड़ियां इह बड़ियां डूंघियां गल्लां हुंदियां जिन्हां दे उत्ते विरले विरले लोग विचार करदे ने, ते उह फिर संघर्ष करदे ने। अज जिथे आपां इस भोग ते आए हां, दो वड्डे दिहाड़े ने अज, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का अच्छ प्रकाश गुरपुरब है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म, उन्हों का इत आना बड़ी वड्डी बख्शिश वाली गल, क्योंकि सदिया तो गुलामी दे विच जी रही, गुरबत भोग रही मनुखता, गुरु नानक देव साहब जी ने आजादी की गल चिणक जगाई। वक्ख वक्ख ਜੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮਵੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਪਾਇਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
बारे। तो अज दूसरा दिहाड़ा बाबा बंदा सिंह जी की बहादुर की शहादत का, तो जो उन्होंने उत्ते भी परख की घड़ी आई तो फिर जिथे पंजवें पातशाह तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया, सिर च गर्म रेत पाई गई, उन्होंने उबलती देग दे विच भी बिठा लिया गया, तो वह जिहड़ियां ना वह सारिया चीज़ा गुरसिखा ने अपने वरता के दसिया। जदों चांदनी जो भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी ने सरबत दे भले दे फिर खादरी चल रहे से, तो जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साहबजादे शहीद करवा दिते, तो अज वो दिहाड़ा भी है जदों ये परख की तड़ी घड़ी एक गुरसिख के उपर आई, जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उन्होंने सामने उन्होंने सासों साथी शहीद कर दिए गए। तो वह लम्मा जिहड़ा ही वह दौर चलिया कतलेआम किया उदों की हुकूमत ने कि उन्होंने डुला दिता जा, पर गुरसिख के उत्ते गुरु साहब की बख्शिश थी। जदों उन्हां दी शहीदी की वारी आई तो उस वेले छोटे बच्चे नूं बालक अजय सिंह नूं उन्हां दे सामने लिया कि शायद डोल जावे। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अडोल रहे, उन्हां दा गर्म जंबूरां नाल मास खिचिया गया, उन्हां नूं उस छोटे उन्हां दे पुत्र दे बारे कहा गया कि तुसीं इहनूं कतल करो। मैं साडे रागी ढाडी कपीशर प्रचारक वीर बैठे ने कई वारी गल होर पक्ष दी हुंदी पर संखेप करके छोटी करके तो गल नूं नबेड़न की कोशिश करते। कहा जाता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि सिख बच्चे ते वार नहीं करता, गल ये नहीं गी, गल ये आ कि उन्हां परख की घड़ी जिस वेले आई तो हुकूमत उन्हां नूं डलाउण की कोशिश कर रही सी कि शायद बच्चे ते वार करनो ये झिझक जावे, बच्चे नूं शहीद करन तों करवाउण तों झिझक जावे, तो उहदे तों तां अगली अजे इम्तिहान होर लैणा सी उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर का। वो जिहड़ा वो कादे लई सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तो बादशाहत कायम ही कोई नहीं की, सरबत दे भले लई उन्होंने सारी जिहड़ी ये संघर्ष लड़िया। तो उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिस वेले वो वरतारे तो इनकार कर दिता, कोई भी बाप अपने पुत नूं हथीं कतल नहीं कर सकता, जदों की मनुखता बनी ये हुण दी गल नहीं, कदी भी नहीं कर सकता। तो जदों उन्होंने उन्हूं डलाउण दा यतन किया, बाबा जी अडोल रहे, तो फिर उन्होंने उहदा बालक दा कढ के ते जिहड़ा वो दिल कट के ते बाबा जी दे मूँह च पाया कि शायद ये दो वड्डी मैं समझना उस हुकूमत की शिकस्त कोई नहीं सी, ये दो वड्डी बेशर्मी कोई नहीं सी। ते जदों ये भी भाणा वरत गया तो बाबा जी डोल रहे, तो फिर खिज के फिर खीसियर नूं जिहड़ा वो ये हुक्म देना पिया कि इन्हां नूं जिहड़ा वा वो कतल कर। जिथों तक सिखां दी जुरत दी गल आ, ये जुरत अंग्रेज़ हुकूमत ने वेखी साढ़े स्वतंत्रता संग्रामियों दे रहे, ये जुरत उस फरखीसियर ने वेखी क्योंकि बाबा बाज सिंह जदों उन्हें मंगा रहा कि तुम सिंह अफवाते जे तो तुम इस वेले उन्हें आख्या जी भाणे च आ, उन्हें आ भाणे वाली तो एवें गलां ने कादा भाणा, तो तुम अपनी कोई इस वेले तो गुलामों तो साढ़े गुलाम होए बैठे जे। तो बाबा बाज सिंह ने एक हजोके अपनिया हथकड़ियाँ तोड़ दतिया, तो वो ही जोड़ा वह फौजी ही वो तलवार खिंच के पांच फौजी टिकाते फरखीसियर तक थले लुकया, मैं तेन मारना नहीं गा, तेरे को जो परमेश्वर ने होर कई काम यहोजे करवाने, जी गुरमत की जी गुरती मिली सानू उन्हूं होर दृढ़ करवाने वास्ते बड़ा कुछ होर तेरे को करवाना, तू तेनों नहीं मारना, तू निश्चिंत रह। ये छोटिया छोटिया गल्लां नहीं, बड़े बड़े गुरमत के सिद्धांत ने, तो उस सिद्धांत दे विच सेवा करनी, सिमरन करना, सरबत दे भले लई कार्ज करने, वो जिहड़ा वह गुरसिखां दे हिस्सा है। अज साडे कोल बाबा अजैब सिंह जी बैठे ने, सेवा की अखीर आ। मैं
अतकथनी नहीं, साढ़े इलाके दियां जिन्हां माइया भाइया ने बाबा जी के संबंध में जिहड़े जानते ना बाबा जी नूं रब कहिंदे ने, ते जे तुसीं तर्क वालिआं दी गल कर लो ते उह आंदे जी एवें गल्लां ने, लंबीआं गल्लां हो जाणगीआं पर क्योंकि तुसीं बड़ी गर्मी च बैठे जे गल्लां कीतिआं ते मैं समझदा भी लंबा समा लग सकता, पर क्योंकि इस परिवार के उत्ते गुरु साहब की बख्शिश रही तीसरी पीढ़ी तो परिवार ग्रुप नाल जुड़िया सर भजन सिंह होना की जे आप उन्हों की तस्वीर वेखते बड़ी उज्जल ददारी शख्सीयत ने, जे उन्होंने करनी वेखते मैं उन्होंने बाबा उन्होंने पिता जी वालों सारा हुण तक जिक्र किया, जे उन्होंने अपनी कहनी तो कथनी वेखते हैं करनी वेखते हैं तो उन्होंने बड़िया सेवावां विद्या के खेत्र च विद्या विचारी का वर्ग उतारी। ये विद्या एक अजिहा धन है जिहड़ा चोरी नहीं हो सकता, जिवें तुहाडी भगती चोरी नहीं हो सकती, तुहाडी नाम की दात तुहाडा नाम की कमाई नहीं चोरी हो सकती, उस तरह विद्या का धन ना बना सकता कोई, ना ये चोरी हो सकता। इहनू जिन्ना कोई तुसीं वंडदे जे ना उन्ना ही अगे होर जिवें गिल साहब ने कहा कि दीपक जगदे जांदे ने, होर समाज का भला हुंदा, उन्होंने समाज का भला किया। अज उन्होंने जिहड़े बेटे ने सालखबीर सिंह जी वह भी सेवा निभा रहे हैं, क्योंकि गुरमत नाल जुड़िया परिवार आ, तो वड्डी बख्शिश है जिहड़ा अगलियां पीढ़ियां भी गुरमत नाल जुड़िया रहन। ये गुरु साहब के चरणों च अरदास आ, मैं जिथे आई समुची ताड़ी साध संगत का परिवार वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, क्योंकि साढ़े ये प्रबंध में सेवा निभा रहे हैं, साढ़े श्रोमणी कमेटी के समुचे अधिकारियों वालों बीबी जी वालों जिथे आई संगत का धन्यवाद करदा, उत्थे परिवार वालों ताड़ा आया दा जिहड़ा एक एक जिहड़ा ताड़ा कदम है, क्योंकि दुख के समय आना दुख घटा दिंदा, खुशी के समय आना खुशी नूं कई गुणा चाउणा करदा जी। सब बिक्रम सिंह जी मीठिया जिहड़े ताड़े परिवारक मैंबर ने उन्हां हमेशा ताड़े खुशी दे विच वी हमेशा हाजिर होए ने, ते सुख दे विच वी हमेशा हाजिर हुंदे रहे ने। अज वी इहनां दे परिवार दे दुख दे समय इत्थों हाजिर भर के गए ने, जिवें गिल साहब जी ने पहलां दस्सिया। ताड़े आया दा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद, इन्हें बेनतियां करदा सच्चे पातशाह करम चरणों के बेनती करदा, देहो सज्जड़े सीसणियां जो होवे साहिब सुमेल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।